हाय गाइस, माय नेम इज सौरभ। नथिंग इज इम्पॉसिबल चैनल में आपका स्वागत है। आप इलस्ट्रेटर सीख रहे थे तो इलस्ट्रेटर में चलते हैं। पहले मैं अपने इलस्ट्रेटर के सॉफ्टवेयर पे पहुंचता हूँ। ये मेरा इलस्ट्रेटर ओपन हो गया और मैं आपको पेन ब्रश टूल के बारे में बात कर रहा था। तो मैंने यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था रेक्टेंगल टूल के सारे फीचर्स। ये हमारा पेन ब्रश टूल है। ओके, पेन ब्रश टूल ये जो है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं फाइल में जाता हूँ, न्यू पे क्लिक करता हूँ। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिख देता हूँ, कुछ भी टाइप कर दीजिए। लाइक मैं जो सीख रहा हूँ वो पेन ब्रश टूल है। पेन ब्रश टूल एंटर करता हूँ और फिर मैं इस पेन ब्रश टूल को यहाँ से क्लिक करता हूँ। इसका शॉर्टकट है बीबी भी प्रेस कर दोगे तो पेन ब्रश टूल ओपन हो जाएगी। ये देख रहे हैं, इस तरह। तो ये पेन ब्रश टूल कोई भी चीज़ इस तरह डिज़ाइन करने के काम आता है। अगर कोई भी डिज़ाइन आप कर रहे हो, एक समथिंग इस तरह या कुछ, जैसे ये डिज़ाइन बन गया, कुछ भी बनाना चाहते हो आप पेन टूल से, तो वो डिज़ाइन इस तरह बना सकते हो। कुछ भी शेप, लेफ्ट राइट, कुछ अप डाउन, देख रहे हैं। और हाँ, इसे आप सेलेक्ट करने के बाद इसका जो स्ट्रोक है वो बढ़ा सकते हो। जैसे ये देख रहे हैं, ये यहाँ पे इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं कर देता हूँ 14। तो इस पेन टूल का ये जो ब्रश की साइज है वो 14, कलर जो है इसकी साइज जो स्ट्रोक की वो 14 है। ठीक, अगर मैं इसे 1 कर देता हूँ तो इस तरह से बन के आएगी। देख रहे हैं, इस तरह अब इसको हटाता हूँ, मैं फिर से डिलीट करता हूँ और मैं फिर से पेन ब्रश पे जाता हूँ, पेन टूल ब्रश पे, या बीबी प्रेस कर दोगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक, इस पे जाता हूँ, इस पे डबल क्लिक कीजिए। ठीक है, पेन टूल पे जाने के बाद नहीं, यहाँ पे गया और ये ओपन, एक सेकेंड को मैं हटाता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद इसको यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डबल क्लिक नहीं करना होता, यहीं पे डबल क्लिक, डबल क्लिक मैंने कर दिया तो ये होती है। यहाँ पे जो देख रहे हैं फेडलिटी कितना पिक्सल होना चाहिए, जैसे मैं इसको 11 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है, फिर ओके करता हूँ तो इसकी फेडलिटी जो होगी ना वो 11 पिक्सल होगी। ये दिख रहा है, इसे जूम करके दिखाता हूँ। ये यहाँ से मैंने आपको जूम किया और ये देख रहे हैं कुछ इसकी फेडलिटी जो होती है वो 11 पिक्सल है। ओके, तो अब मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा जूम हो गया, इसको 150 कर देता हूँ। ठीक है, और अब क्या करता हूँ, ये जो फेडलिटी के साथ साथ इसका स्मूथनेस है, मैं इसको स्मूथनेस इसका 83 करता हूँ और फिर यहाँ से मैं ब्रश टूल लेता हूँ, ओके करता हूँ और ये देख रहे हैं ये स्मूथ है, इससे जो है ये स्मूथ है, ये जो चीज़ है इसके अकॉर्डिंग देखेंगे स्मूथ होगा। देखिए अपने आप स्मूथ बन जा रहा है अपने आप, देख रहे हैं इस तरह ये अपने आप स्मूथ हो जा रहा है। ओके, फिर एक ऑप्शन और आता है, फिल न्यू ब्रश स्ट्रोक कीप सेलेक्टेड। ठीक है, तो फिल न्यू ब्रश स्ट्रोक का जो ऑप्शन है इसको हटा देता हूँ, एडिट सेलेक्टेड पाथ्स, इसको ओके करता हूँ। अब इस तरह का ये डिज़ाइन अपने आप स्ट्रोक जो है वो ले लेता है, देख रहे हैं यहाँ से इस तरह का।
अगर मैं तीनों सेलेक्ट करता हूँ, कीप सेलेक्टेड एडिटिंग, इसकी जो विद इन है पिक्सल कितना होना चाहिए, मैंने 20 कर दिया, फिर ओके कर दिया। तो इस तरह अब जब करोगे तो ये देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा करके दिखाता हूँ। ये चीज इन लाइन के बीच में ये देख रहे हैं लाइन, ये बढ़ गया है 20 पिक्सल्स। जो मैंने यहाँ से मैंने यहाँ पे जो क्लिक किया था, अब देख रहे हैं विद इन 20 ये कीप सेलेक्टेड है। ये पहले ये जो मैं यहाँ पे क्लिक किया हूँ तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है। अब फिल न्यू ब्रश स्ट्रोक है ऑलरेडी, ठीक है। तो इस तरह अगर कोई और बना रहे हो, देख रहे हैं ऑलरेडी कीप सेलेक्टेड है। यहाँ पे मैं कोई डिज़ाइन देता हूँ, लाइक इस तरह कोई डिज़ाइन आपने बनाया, देख रहे हैं ऑलरेडी इसको समथिंग कुछ अलग सा। तो कुछ अलग सा क्रिएटिविटी आप दिखा सकते हो जो आप बनाना चाहो, ठीक है। ये कुछ अलग सा डिज़ाइन जो भी आप ब्रश टूल से बनाना चाहते हो इस तरह का आप बना सकते हो। ओके, तो ब्रश टूल का यूज़ बस ये ही है, और कुछ क्रिएटिविटी दिखाने के लिए है, कुछ बनाने के लिए है, तो इस तरह का आप बना सकते हो, ठीक है। तो इस यही होता है ब्रश टूल का, आप पेन ब्रश टूल का, और नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा पेंसिल टूल का यूज़। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। इस वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।